तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक वीडियो पे। तो आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कि IRCTC से आप लोग तत्काल टिकट कहीं के लिए कैसे काट सकते हैं। तो ये बताने वाले हैं आपको इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। अभी देखिए, तत्काल जो है टिकट 11 बजे से कटता है रिजर्वेशन के लिए, स्लीपर बोगी के लिए। तो 10:47 हो रहा है और अभी आपको पहले इसमें कुछ जो फीचर्स हैं वो आपको बता देते हैं, उसके बाद आपको तत्काल के लिए बताते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं, ट्रेन के लिए आपको टिकट काटना है तो ट्रेन के लिए चूज़ कीजिएगा, फ्लाइट है, बस है, होटल है और ऑर्डर फूड है, उसके बाद आस्क दिशा है और उसके बाद क्रूजियम है। आपको रनिंग रूम लेना है तो यहाँ पे रूम ले सकते हैं और उसके बाद वाउचर है, ई गिफ्ट वाउचर और IRCTC का जो यूट्यूब चैनल है वो है और ई मुद्रा है। तो आप लोग को सबसे पहले आपको यहाँ पे अगर तत्काल टिकट काटना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ट्रेन पे क्लिक करना होगा। ट्रेन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना माई बुकिंग देख सकते हैं कि आपने कौन कौन टिकट को बुक करके रखा है और यहाँ से PNR नंबर डालिएगा। तो यहाँ पे सिंपल आपका PNR नंबर, अगर अभी आपका रिजर्वेशन नहीं है, वेटिंग में है, तो PNR नंबर में देखिएगा तो आपको बता, डालने के बाद PNR नंबर जो है यहाँ पे टाइप कीजिएगा तो आपको सर्च PNR पे कीजिएगा तो आपको बता देगा कि कितना क्या है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे अगर लास्ट ट्रांजेक्शन देखना है तो इस वाले अकाउंट पे क्लिक कीजिएगा, फिर अपकमिंग जर्नी है, उसके बाद कैंसिल टिकट है, उसके बाद यहाँ पे रिफंड हिस्ट्री है। अगर आपका मान के चलिए कोई भी टिकट को कैंसिल करते हैं तो यहाँ से रिफंड हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और IRCTC का वॉलेट है वो आप लोग देख सकते हैं, फिर चार्ट वैकेंसी यहाँ से देख सकते हैं, ट्रेन शेड्यूल देख सकते हैं और ट्रैक योर ट्रेन भी देख सकते हैं कहाँ से क्या है, सब कुछ इस ऐप में आपको सब कुछ मिलेगा। बाकी कोई भी ऐप रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, अगर यहाँ से आप देखना चाहते हैं तो कैसे क्या है सब कुछ इस वीडियो पे चलिए आपको दिखाते हैं कि टिकट कैसे बुक कर सकते हैं तत्काल का। तो बुक टिकट पे क्लिक कीजिएगा, माई बुकिंग पे क्लिक किए, ठीक है। यहाँ पे पहले जो आपको पहले वाले वीडियो में बताएं कि कैसे टिकट बुक कर सकते हैं वो सब, ठीक, सेम प्रोसेस है। उसके बाद यहाँ पे अपना चूज़ कीजिएगा जहाँ से आपको जाना है और कहाँ जाना है, वहाँ पे यहाँ से इस पर चूज कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ऑल क्लास है तो यहाँ पे आपको कोटा चूज़ करना है कि क्या कौन सा सेक्शन में जाना है। तो जैसे कि अभी तत्काल का टाइम 11 बजे है, ठीक है, तो प्रीमियम तत्काल यहाँ से भी होता है, प्रीमियम तत्काल यहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है। और तत्काल यहाँ से कीजिएगा, लेडीज़ के लिए तो सिंपल लेडीज़ पर क्लिक कर सकते हैं, तो लेकिन तत्काल पर क्लिक कीजिए। तत्काल पर क्लिक करने के बाद, ठीक है, कुछ ही देर में आपको 11 बजने वाला है और आपका जो है तत्काल जो है एक दिन बाद का टिकट आपको मिलेगा। मान के चलिए कि आज 5 तारीख है तो आपको 6 तारीख का टिकट मिलेगा, ठीक है, 6 तारीख का 12 बजे के बाद जितना भी ट्रेन है सभी में आपको टिकट मिलेगा। तो सर्च ट्रेन पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है, सर्च ट्रेन पे क्लिक किए, यहाँ पे आपको सभी दे दिया गया है कि पटना से दिल्ली तक कौन कौन जाने वाली ट्रेन है, तो सभी में आप लोग चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग संपूर्ण क्रांति पे चेक करेंगे, संपूर्ण क्रांति पे चेक किए, ठीक है। तो अवेलेबल 90 को बता रहा है कि अवेलेबल जो है 90 को बता रहा है कि खाली है। तो आपको 11 जैसे ही बजेगा आपको जल्दी से टिकट काट लेना है। 11 बजते ही आपका जो यहाँ पे ब्लैक कलर से 0090 दिखा रहा है तो यहाँ पे ग्रीन कलर से 0090 दिखाएगा और जल्दी से काट लेना है। उसी तरह आपको अगर विक्रमशिला में जाना है तो विक्रमशिला में यहाँ पे भी देखिएगा 166 को दिखा रहा है विक्रमशिला में। तो जैसे ही आएगा पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा फट से। देखिए, बुकिंग नॉट येट स्टार्ट फ्रॉम द सिलेक्ट एंड क्लास, प्लीज ट्राई आफ्टर फ्रॉम टाइम, मतलब अभी टाइम इसका टाइम अभी नहीं हुआ है, टाइम होते ही अभी आपको बता दें। टाइम जो है आपको 11:53 हो रहा है, 10:53 में आप लोग फट से काट लीजिएगा। गरीब रथ में देख लें तो गरीब रथ में अभी नॉट अवेलेबल है, जिसमें अवेलेबल रहेगा उसी में बताएगा, इसमें नॉट अवेलेबल है, ठीक है। सीमांचल एक्सप्रेस में भी देख लेते हैं तो सीमांचल में भी आपको नॉट अवेलेबल है, ठीक। उसी तरह ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस में देख लेते हैं तो इसमें भी नॉट अवेलेबल है। नॉर्थ ईस्ट में देख लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी नॉट अवेलेबल है, क्योंकि ये सब जो है 5:45 में सुबह को ही है इसलिए नॉट अवेलेबल शो कर रहा है। और देखिए, इसमें श्रमजीवी एक्सप्रेस में 90 को खाली है, ठीक है, तत्काल में।
और सिक्किम महानंदा में, सभी में अगर आपको चेक करना है तो ऐसे ही से चेक कर लीजिएगा। थर्ड एसी में जाना है तो थर्ड एसी में भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड एसी का भी टाइम 12 बजे से 1 बजे तक रहता है शायद, ठीक है। और ये मगध है तो मगध का लिए यहाँ से देख लीजिएगा, जैसे ही 11 बजेगा सब ग्रीन कलर का हो जाएगा, ज़्यादा देर के लिए नहीं रहता है तत्काल, बस 1-2 मिनट के लिए रहेगा। आपको फटाफट काट के इसमें भी बता देते हैं कि टिकट कैसे काटना है, जैसे ही उस पर क्लिक किए हरा हुआ उसके बाद देखिए आपको जनरल कोटा में बताते हैं। सर्च पे क्लिक कीजिएगा, सॉरी यहाँ इसमें देखिए जनरल कोटा में 163 वेटिंग चल रहा है, ठीक है। तो इस पे पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे एड न्यू पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे अपना नाम डालिएगा, कुछ भी नाम डाल दीजिए, एज जो है एज डाल दीजिएगा, मेल फीमेल कैंडिडेट चूज कर दीजिएगा, यहाँ पे बर्थ प्रिफ्रेंस है, अगर आपको ऊपर साइड लोअर मिडिल खिड़की के पास जो भी है वो आपको चूज कर लेना है। लोअर बर्थ पे क्लिक करके अब एड पैसेंजर पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे पैसेंजर मोबाइल नंबर दे दीजिएगा जिसपे कि आपका OTP वगैरह टिकट वगैरह जाएगा, और ये जो ईमेल आईडी रहेगा उसी पे आपका टिकट जाएगा जो होता है टिकट। और उसके बाद जिससे आप पे करिएगा क्रेडिट कार्ड से तो 15 रुपये आपका GST लगेगा, आप पे भीम UPI से कीजिएगा तो इस पर क्लिक करके 10 रुपये कर दीजिएगा, इस पर करके यहाँ पे क्लिक करके रिव्यू जनरेट डिटेल्स पे क्लिक कर दीजिएगा। अरे यार यहाँ पे करके उसके बाद ये कैप्चा को आपको फिल करना है, ये कैप्चा जो है ना यहाँ से यहाँ पे आपको फिल कर देना है, WFMW को यहाँ पे फिल करके यहाँ प्रोसीड टू पे पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपका ऑनलाइन ऑप्शन आएगा, पेमेंट कर दीजिएगा, टिकट बुकिंग हो जाएगा। सिंपल इसी तरीके से है, और अभी तो देखिए अभी 56 हुआ है और 1-2 मिनट रुक ही जाते हैं, तो देखिएगा ग्रीन कलर का हो जाएगा तत्काल में काटने के लिए, क्योंकि तत्काल का टाइम जो है ना फिक्स है 11 बजे आ जाता है 6 तारीख का हमने टाइम, यहाँ डेट चूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। डेट आपको अगर इसी पे मान कर चलिए 2 महीना के बाद हमको काटना है तो यहाँ पे इस पर क्लिक कीजिएगा, और यहाँ से अप्रैल आ गया, मई आ गया, जून आ गया, जुलाई आ गया, यहाँ पे सब कुछ दिया कि कब आपको काटना है, यहाँ से डेट चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कैंसिल टिकट तो आपको यहीं से बता ही दिए हैं, तो यहाँ से अपना देख लीजिएगा कि कैंसिल टिकट कौन सा है, ठीक है, यहाँ से अपना देख लीजिएगा। अगर पहले वाले भी वीडियो देख लीजिएगा उसमें हम अच्छे तरीके से बताएं कि कैसे आप टिकट बुक कर सकते हैं, ठीक है, कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा आपको बुक करने में। और इसका नेक्स्ट वीडियो में अगले वीडियो में आपको इसका अकाउंट बनाने बताएंगे कि कैसे इसका अकाउंट बना सकते हैं, IRCTC का अकाउंट आप कैसे बना सकते हैं इजिली में, ठीक है। और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आप कुछ ही देर में 11 बजने वाला है, 10:58 हो गया है, बस 2 ही मिनट बाकी है, तो हम संपूर्ण क्रांति पे क्लिक करके रखते हैं स्लीपर क्लास में, जैसे ही देखिए तत्काल में भी पहले बता दिया है कि आपका जैसे कि वेटिंग जो है 3A में 14 का वेटिंग है, 1725 रुपये आपका टिकट का लगेगा। और सेकंड में देख लेते हैं, सेकंड AC 2A का मतलब सेकंड AC हो गया, अवेलेबल है अभी से ही, इसमें अगर काटिएगा तत्काल में 2435 रुपये लगेगा, 6 टिकट कट जाएगा सेकंड AC में, 2435 रुपये लगेगा मात्र। पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा, आपका टिकट कट जाएगा, ठीक है। बस 3A में जो है आपको 14 वेटिंग है, और 3A थर्ड AC में, और 3E में आपको 4 वेटिंग है, ठीक है। अगर ऐसे देखिएगा तो थोड़ा और कम रहता है, थर्ड ई का मतलब मान के चलिए ना 1100 रुपये के आसपास रहता है, अगर भी चेक करके आपको बता देंगे अभी। अब कुछ ही देर में टाइम होने वाला है, 59 हो गया है ना, बस अब 59 हो गया, अब कटने ही वाला है।
बार बार चेक करते रहिएगा पैसेंजर डिटेल्स पे, जैसे ही 11 बजे का फटाफट जल्दी से काटना है, नहीं तो जल्दी से नहीं काटिएगा तो आपका टाइम जैसे ही पूरेगा बस आपका समझिए वेटिंग में चल जाएगा। वेटिंग में जाने के बाद जो इसका जो रिफंड पैसा आएगा आपको 70 रुपया का टिकट, 60 रुपया टिकट का, 10-11 रुपया जो GST का कटता है वो आपको पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए ये भी ध्यान रखना होगा। टिकट का आपका वापसी पैसा आ जाएगा, वेटिंग में अभी नहीं जा सकते, काउंटर वेटिंग पे आप लोग जा सकते हैं, ठीक काउंटर से आप लोग टिकट कटाते हैं तो उसमें से वेटिंग जा सकते हैं, लेकिन इसमें से नहीं जाइएगा। अभी देख सकते हैं 11 बज गया है, रिफ्रेश कर लेते हैं, अब सर्वर भी स्लो हो जाता है थोड़ा सा भी, अगर नेट भी आपको टर्न से रखना पड़ेगा तो वाईफाई अभी ट्रेन देखिए सर्चिंग ले रहा है, ये बैक करके फंस गए। देखिए आ गया है, संपूर्ण करना थे स्लीपर क्लास पे क्लिक किए, यही हो जाता है 11 बजे अचानक एकदम स्लो हो जाता है। देखिए 90 सीट अवेलेबल है, फट से कट जाएगा, एकदम फटाफट कट जाएगा, बोले ना आपको, देखिए ग्रीन हो गया, बस प्रोसेसिंग हो रहा है। बस ऐसे ही प्रोसेसिंग होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, डिले होगा तो थोड़ा सा देख लीजिए काट टाइम में, अगर आपको काटना है तो काट लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ आ गया, यहाँ एक बार और आप लोग का थोड़ा सा इस बार आएगा तो रिव्यू जनरी पे डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा, सॉरी एड न्यू पे क्लिक करना होगा, ये प्रोसेसिंग हटेगा, आपको एड न्यू पे क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे आपको बता रहा है कि अभी 90 टिकट अवेलेबल है, देख रहे हैं थोड़ा सा प्रोसेसिंग में टाइम ले रहा है, आ गया बस। अरे यार हटना तुम, हाँ एड न्यू पे क्लिक कीजिएगा, अपना नाम डालिएगा, जेंडर चूज कीजिएगा, बस उसके बाद इसमें बर्थ प्रेफरेंस नहीं चूज कीजिएगा नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। डायरेक्ट आप लोग को करके यहाँ पे टिकट चल जाएगा, नीचे आके आपको चूज करके बस कर देना है कन्फर्म, जैसे पेमेंट करना है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे तत्काल टिकट काटते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।